व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधु, भक्ति का सुंदर भजन हमने गाया। भक्ति वास्तव में जीवन का रस है। योग में हम जानते हैं, जैसे कहते हैं योग की भी त्रिवेणी है, हठयोग, राजयोग और भक्ति योग। भक्ति योग के बिना राज और हठ भी नीरस से लगेंगे और उनका पालन करना भी या उनका अभ्यास करना भी कठिन होता है। राजयोग के अंदर ईश्वर प्रधान समाविष्ट है और भक्ति तो है, इसलिए हमें भक्ति के ऊपर बड़ा ध्यान से पालन करना होता है। भक्ति का लक्षण क्या है, इसको भक्ति कहते हैं। वास्तव में भक्ति का लक्षण तो यही होना चाहिए कि भगवान और भगत का मानसिक नाता, ये भक्ति होती है। भगवान के साथ भगत का जो मानसिक नाता है वो भक्ति है। यानी भगत का मन भगवान के साथ एक संबंध जोड़ ले, तो ये इससे स्पष्ट है कि भक्ति मानसिक चीज है, बाहर की चीज नहीं। बाहर हम कुछ भी करें लेकिन मन से भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ा हुआ तो वह भक्ति नहीं कहलाएगी। और योग की भक्ति तो यही सिखलाती है, क्योंकि योग जो है वो मन की विद्या है। मन को एकाग्र करना भगवान में, परंतु एकाग्र तब होगा जब हमारा संबंध जुड़ेगा। संबंध वास्तव में ही हमेशा मानसिक होता है और ईश्वर हमारा सबसे बड़ा संबंधी है। ईश्वर को ही वेदों में कहा सा एष बंधु जनिता विधाता, वह भगवान हमारा बंधु है, रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार जो होता है वह तो हमेशा चाहेगा कि मेरा रिश्तेदार बड़ा अच्छा हो, मन का साफ हो, मेरे साथ उसका सच्चा प्यार हो, नहीं तो रिश्ता क्या हुआ। धोखेदार आदमी के साथ कभी रिश्ता जोड़ेगा, चाहे कि कोई भी हो। इसलिए यदि हम मन से प्रभु को प्यार नहीं करते, मन से भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ा, तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता कोई नहीं है, संबंध नहीं लिया, मैं हमारा बंधु नहीं है। फिर अब अगर हम मन के मैले हैं या मन के खराब हैं तो जैसे दुनियादार हमें स्वीकार नहीं करेंगे संबंधी रूप में, भगवान भी संबंधी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए हमें भक्ति का जो असली लक्षण है उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें मन को भगवान से जोड़ने के लिए मन को बड़ा साफ रखना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान खुद कहते हैं। गीता में एक जगह पढ़ेंगे भक्ति का जन उपदेश दे रहे हैं कि मेरा याद करो, मेरे में मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, वो करो। तो कहते हैं कि ये तभी होगा जब तुम्हारे अंदर ये गुण होंगे या तुम्हारे अंदर ये दोष नहीं होंगे।
एक श्लोक है जिसमें पांच चीजें कही गई हैं कि तुम्हारे अंदर ये पांच चीजें ना होंगी तभी मुझे प्राप्त कर सकोगे, तभी मेरे भक्त कहलाओगे। नाम मम दुष्कृतनो मूढ़ा प्राप्यन्ते नराधमा। तीन चीजें इसमें कि नाम प्राप्यन्ते नराधमा, ऐसे मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरे साथ उसका कोई संबंध है ही नहीं। दुष्कृतना, जो बुरे कर्म करने वाले हैं, जो बुरे कर्म करे और भगवान से स्वीकार नहीं करते, चाहे वो कितना भी चाहे यत्न करे। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, इसलिए जब हम चाहें कि हम भगवती करें तो अपने कर्मों का पहले ध्यान रखना होगा, नहीं तो भगवान में स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। अब कर्म, हम कर्म बुरे करते क्यों हैं? कर्म बुरे इसलिए करते हैं कि हम मूर्ख हैं। मूर्ख ही बुरे कर्म करेगा ना, जो मूर्ख नहीं वो कम बुरा कर्म करेगा। जिसको पता है कि ये नियम उल्लंघन करके मुझे सजा मिलनी है, वो तो नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, और जो पता ही नहीं है तो वो बुरे कर्म करेगा। कहते हैं इग्नोरेंस जो है वो कोई माफी के काबिल नहीं है। अगर ला का उल्लंघन कर दे और कोई मुझे पता नहीं है तो कैसे सजा नहीं मिलेगी? तो मूर्ख लोग जो हैं वो बुरे कर्म करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अच्छे कर्म करने से हमारा भला है, भक्ति होगी, और बुरे कर्म करने से हमें क्या होगा, उनको ज्ञान ही नहीं। झूठ बोलते हैं, बोल देते हैं, सोचते नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका मतलब हम मूर्ख हैं। हमें झूठ के फल का जो भगवान के दरबार में मिलना है उसका बोध ही नहीं है। अगर हमें पता हो कि झूठ बोलने से बड़ी भारी सजा मिलती है, जो एक बार जो रिश्ते झूठ बोला कितनी बड़ी सजा उसको मिली, तो क्या हमें नहीं मिलेगी? तो हम चूंकि उस बात को मन में बुद्धि में नहीं लाते, इसलिए हम बुरे कर्म करते हैं। तो इसलिए पहली चीज भगवान ने कही कि बुरे कर्म करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता, मेरी भक्ति नहीं कर सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो इसलिए बुरे कर्म करता है कि उसको पता नहीं है, तो पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान प्राप्त करेगा तो बुरे कर्म नहीं करेगा। और जो बुरे कर्म करने वाला है उसी का नाम क्या था है भगवान ने, नराधमा। वो अधम मनुष्य है। अब देखो हम ये अगर करें हम तो हम झूठ ही बोलते रहे और हम भगवान के उस नियम से डरे मिना, तो हमारा फिर किस श्रेणी में गिनती होगी? अधम मनुष्यों के श्रेणी में, नीच मनुष्यों के शरण में। अब नीच मनुष्यों के शरण में कोई झूठ बोलने वाला है उसको कोई तुम डर नीच है तो वो लड़ेगा आगे से, परंतु है तो वो नीच ही ना, क्योंकि उसने बुरा कर्म किया, वह मूर्ख है इसलिए बुरा कर्म किया, और इसलिए वो उस कैटेगरी में चला गया, अधम मनुष्यों की कैटेगरी में। तो ये तीन बातें अगर हम ध्यान रखें तब हमारी हम भक्ति कर सकते हैं। मेरी भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि भक्ति करने का क्या मतलब है कि हम पूजा करें, पाठ करें, वो करें या करें, लेकिन भगवान तो सब स्वीकार करेंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, भगवान तो नहीं स्वीकार करेंगे। मैं कितना भी कहूँ तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है, तो वो कहेगा ये मुझे धोखा दे रहा है, तो वो तो मानेगा नहीं तू मेरा मित्र है, क्योंकि पता ही धोखेबाज आदमी है।
तो भगवान जब समझेगा कि धोखेबाज है ये, तो बुरे कर्म करने वाला है, और अगर हमारा कोई रिश्तेदार चोर हो और तुम्हारा चाचा है, मैं कि मेरा चाचा उचा कोई नहीं, उसके कारण मैं भी बदनाम हो जाता हूँ, तो भगवान भी बदनाम हो जाते हैं कि ये देखो कहता है भगत हूँ और करता ये बुरे कर्म है। तो भगवान कह नहीं, वो भगवान उसको अपना जो मानसिक नाता है वो तोड़ देंगे, बाहर से कुछ नहीं कहेंगे। गुरु भी अगर गुरु के पास को आता है और बैठता है, गुरु ये नहीं कहेंगे तुम चले जाओ, गुरु ये करेंगे कि उसकी भक्ति को खत्म कर देंगे, अंदर मन से उसे हटा देंगे, भगत नहीं रहेगा, ऊपर से करता रहे लेकिन भक्ति तो नहीं मिलेगी उसको। तो ये मन का नाता जो है उसका मन टूट जाएगा। दो संबंधियों का जब मन टूट जाता है, संबंधी होते हुए भी संबंधी नहीं है, भगवान और भगत के अंदर जब ये मानसिक नाता खत्म हो जाता है तो भक्ति खत्म हो जाती है। फिर कितना कोशिश करें कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, तो बात यह है कि भगवान कहते हैं भक्ति बढ़ेगी लेकिन अपने कर्म को अच्छा करो। तो तीन बातों का बातें हैं गीता के अंदर, ये है भगवान खुद कह रहे हैं, अपने भगवान कृष्ण के मुख से उच्चारण किए गए हैं, ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्राप्यन्ते नरात्मा, मुझे ये प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है जो इसके बाद बताते हैं। माया अपहित ज्ञाना, अब मूर्ख क्यों बने, नराधम क्यों बने, क्योंकि माया ने उनके ज्ञान को हर लिया। कैसे मूर्ख बने, इसलिए बने कि उनके ज्ञान को माया ने हर लिया। अब माया के कई रूप हैं, एक माया का रूप धन भी है, तो माया के और भी रूप हैं। अब देखो ज्ञान हर लेते हैं, मैं एक काम नहीं करना चाहता, खराब है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई नोट रख देता है तो मैं मजबूर हो जाता। क्या, किसने हर लिया, उस माया ने मेरा ज्ञान हर लिया। तो माया ज्ञान को हर लेती है। आज हम अपने समाज में देखते हैं कि जानते हुए भी हम बुरे कर्म कर लेते हैं, तो कारण माया ही है, माया से हमारा बुद्धि जो है उसमें मारी जाती है, माया के बड़ा भारी गुण है। गीता में एक जगह एश माया दुरत्या, ये जो माया है इसका पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े भी इस माया के समुद्र में डूब जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भी। जब माया हमें इस प्रकार अपने वश में कर लेती है, हम करते हैं, तो हम फिर बड़े से बड़े भी बुरे कर्म करने लग जाते हैं, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। तो अगला जो ये चार बातें बतलाई भगवान ने कि दुष्कर्म करने वाले ना हो, मूर्ख ना हो, मूर्खता में ना हो, हम अधम मनुष्य ना कहलाएं और माया में ना फंसे। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, हमारा भाव ही बदल जाता है, हमारा कैटेगरी बदल जाती है, आसुरम भावम आश्रिता, वो आसुरी भाव के हो जाते हैं, वो असुर बन जाते हैं। मनुष्य और असुर में बड़ा फर्क है ना, उनको असुर कहेंगे, वो असुर बन जाते हैं। तो असुर क्या होते हैं, गीता में आप पढ़ेंगे कि असुरों के गुण बतलाए, असुरों के क्या गुण होते हैं। मोटे शब्द में अगर हम देखें तो सारे गुणों का, तो जो कुछ हम कहते हैं रोज वो हमें नहीं होने चाहिए चीजें,
वो चीजें सब में होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब में होते हैं, परंतु जब ये सीमा से बढ़ जाते हैं तो वो आश्रय भाव बन जाते हैं। क्रोध है मात्रा के अंदर तो हर एक के अंदर होगा, लेकिन मात्रा से जब बढ़ जाता है तो वो मनुष्य की सीमा से लांघकर असुर की सीमा में, आसुरी सीमा में चला जाता है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हम अगर इनका परित्याग करें तो हम मनुष्य रहेंगे, अगर हम अधिक करेंगे तो असुर कहलाएंगे। अब रावण को असुर का नाम दिया गया कि वो असुर था, वो मनुष्य था तो मनुष्य, असुर क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर ये चीजें हद से बढ़ गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो राम में भी था, मगर रावण के अंदर जो था वो एक सीमा को पार कर गया था, इसलिए असुर कहलाया। तो ये जो इंसान की फितरत है इसकी सीमा के अंदर मर्यादा के अंदर हम से बाहर नहीं होना चाहिए। लोभ इतना ना हो कि हम हमारा माया आपृत ज्ञाना हमारा ज्ञान भी छीन ले माया। इसी तरह यम नियमों को देखें, यम में अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य इन भी सीमा के अंदर होनी चाहिए। अगर हम इनकी सीमा से लांघ जाएं तो ये आसुरी गुण आसुरी चीजें बन जाती हैं, सीमा के अंदर ये आसुरी नहीं है। तो आसुरी भाव आश्रिता माया के कारण है, जब माया ज्ञान को हर लेती है तो हम असुर बन जाते हैं। अब असुर वो नहीं होते जिनके कोई उनके सींग नहीं होते, उनके कोई दांत बड़े बड़े नहीं होते, असुर हम ही असुर मनुष्य बन सकते हैं, हम ही असुर बन सकते हैं। अब इसीलिए अगर हम चाहते हैं भक्ति करना तो फिर बड़ी जरूरी बात है कि हम भक्ति के इन गुण पांच गुणों को जरूर याद रखें, नहीं तुम्हारी भक्ति की बाहर की भक्ति होगी उसका फल नहीं होगा। बीज डालेंगे अगर उगा ही नहीं की फायदा, क्योंकि बीज खराब है। तो पहला जो है मैं वो बड़ा ध्यान रखना है कि हम अच्छे कर्म करें, यानी अपने नियम नियम का ध्यान रखें, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य। अब इनका ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे कर्म करने वाले होंगे। इसीलिए योग होता है, योग शुरू इसीलिए होता है क्योंकि योग अगर जो भक्ति भक्ति ना वो योगी नहीं है, और भगवान ने कहा भक्ति के ये गुण है। इन नियमों को अवश्य पालना चाहिए, ध्यान रखें हम। ये कोई बहुत बड़ी समझने वाली बात नहीं है, हमारे सामने तो एक साफ योग में खुली चीज है ना। कोई कहेगा कि धर्म क्या होता है, धर्म कोई पूछे धर्म क्या होता है, धर्म का बहुत लक्षण करता चले, तो हम तो यही कहेंगे धर्म है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। और अगर और बतलाओ तो हम कहेंगे ये हम नहीं कह रहे, ये मनु महाराज भी यही कह रहे हैं, दस गुण धर्म को बतलाए वो यही कह रहे हैं। तो इनके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म करना मतलब है कि हम हर समय ध्यान रखें कि हम सच्चाई को इतना ना छोड़ें कि हम मनुष्य ना रहें। इसी तरह अहिंसा का भी परित्याग ना करें, अस्तेय अब चोरी ना करें कहीं किसी की। अब अगर हम परिग्रह बहुत करने लग जाएं, अगर हम धन को ही माया कहें तो धन के माया पर बहुत परिग्रह धन का ही धन जोड़ते चले जाएं तो असुर है ना। अब लोगों के अंदर जो बहुत इस तरह नाजायज तरीके से धन जोड़ते हैं तो उनके पास से लाखों करोड़ों रुपए निकलते हैं, तो क्या मतलब है? वो परिग्रह का उन्हें प्रत्याग किया, धर्म के विरुद्ध चले, और धर्म के विरुद्ध चलकर फिर वो भक्ति तो नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें इन नियमों के अंतर्गत रहकर हम भक्ति बढ़ा सकते हैं अपनी।
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य इनको समझें। रामायण में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको समझने की बात नहीं, इसमें विचार करते रहें कि सच्चाई पर चलने के लिए हमें कि कौन सा यत्न करना चाहिए। जानबूझकर झूठ ना बोलें, जानबूझकर किसी से धोखा ना करें, जानबूझकर कोई अगर इसे अपना जूल का धन संग्रह करने के लिए तो हम दूसरों को दुख ना दें। लोग तो ऐसे करते हैं ना कि हम लोग हमारे अंदर दुख जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि माया अपहृत ज्ञान जो कह दिया, हमारे ज्ञान को माया हार लेती है। तो एक तो ये करना, दूसरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये हम सीमा में रखें अपने। क्रोध बिल्कुल क्रोध वाली बात यह है कि स्वामी जी महाराज से एक ने पूछा, हम कहते थे अपने जो भक्त आते क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए। तो भगत एकता साथ पुराने जो स्वामी श्यामलाल जी धर्मपाल जी वगैरह होते थे साथ स्वामी जी के, ये उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखो एक महात्मा था, उसने किसी को भक्त कह दिया देखो किसी को जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो सांप को भी नहीं मारना चाहिए। तो अगले दिन फिर वो साधु के पास आए, मारा वो सांप था और मुझे काटने लगा था क्या करना है। तो सांप वर्ष शाम को शिक्षा दी थी, ये तुम कहानी है कि तुम किसी को काटा ना करो। अब कांट जब शाम को शिक्षा दी तो काटा ना करो किसी को, तो लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, देखा सांप पड़ा हुआ है, सांप कुछ नहीं कह रहा, उसने सांप को लस्सी की तरह लपेट दिया, ये समझ में ऐसे दृष्टांत बदलाया था। तो वो बेचारा लवलवान हो गया, तो फिर लवलवान होकर महात्मा को आया, महाराज आपने मुझे कहा था कि किसी को काटा ना करो, देखो क्या हो गया। तो महात्मा कहने लगा मैं तुम्हें कहा था किसी को काटा ना करो, लेकिन ये थोड़ा कहा था फुफकार भी या किया करो, तुम फुफकार करते थे तो मैं करता। तो सीमा के अंदर क्रोध तो ठीक है, लेकिन सीमा से बाहर भी आ जाते हैं वो आसुरी भाव बन जाता है, और सीमा के अंदर तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये सब और जो योग के पांच नियम है, ये तो ईश्वर ने क्योंकि इंसान है सीमा के अंदर सब चलते रहते हैं, सांप की फुफकार तो रहेगी, मनुष्य का रूप भी रहेगा, लेकिन ये नहीं कि उस रूप गुस्से के अंदर आकर किसी का को कतल कर दे, वो नहीं। तो इस तरह ये जो चीज है कि हमें ये नहीं कि हमें ऐसे उपदेश मिलते हैं कि बिल्कुल ही फिर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आसुरी भाव होता है जब माया हमारे ज्ञान को इतना हर लेती है कि हमें अपनी शुद्धि नहीं रहती और हम मनुष्य की सीमा से लांघकर आसुरी सीमा में चले जाते हैं। तो इसलिए हम प्रभु जी से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें ऐसी बुद्धि दो कि आपकी प्रेरणा से हम कोई बुरे कर्म हमसे हो ही नहीं, और हम कभी ये ना कोई कहे कि तू दुष्ट है, दुष्ट नीच है, और कभी ऐसा ना हो कि माया का गलबा हम पर अधिक हो जाए और हम मनुष्य शरीर के अंदर रावण बन जाए। तो ये ऐसा आजकल कलयुग में तो चूंकि ये बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, संगीत का असर बहुत होता है, आजकल कलयुग की संगीत ऐसी है जिसे बचना मुश्किल है,
तो हमें और अधिक ध्यान को देना पड़ता है। जैसे मास्टर में आते हैं, ये समझो कुछ थोड़ा हमें सहारा मिलता है, एक सीमित दायरे में रहते हैं। जैसे आंधी बहुत चल रही है तो हम खिड़कियां बंद कर लेते हैं, फिर भी धूल से कुछ बच जाते हैं। सोच कालयुग में ऐसे ही रहना रहकर ही बचा जा सकता है कि हम थोड़ा अपने आप को अच्छी संगत के अंदर सीमित कर लें और बुरी संगत से बचें, तो तभी हो सकता है। क्योंकि इस वक्त वातावरण बड़ा दूषित है, जैसे हवा की पोल्यूशन बहुत है, पानी की पोल्यूशन बहुत है, इसी तरह सारी पोल्यूशन बहुत है, मनुष्यों के अंदर भी मनुष्य पोल्यूटेड बहुत है। हम उन मनुष्यों की पोल्यूटेड मनुष्यों से तो भी बचना होगा ना, सिर्फ गंदी हवा से नहीं बचना, पोल्यूटेड मनुष्यों से भी हमने बचना है, तभी ठीक रह सकेंगे, नहीं तो हम नहीं रह सकेंगे ठीक। तो इसलिए ये हम प्रपंच में पांच बातें बतलाएं जो गीता में अंदर, कि हमें एक अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम मूर्ख ना बन रहें और हम बुरे ना कहलाएं और माया के वश में ना आए और फिर हम असुर ना बने। अगर ये हम इन बातों ध्यान रखेंगे तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो हमारी भक्ति में जरा थोड़ा सा भी खटाई पड़ जाए दूध में तो फट जाता है। तो भक्ति की तो उससे भी ज़्यादा जो है चीज बिगड़ने वाली है, भक्ति बड़ी जल्दी बिगड़ जाती है, तो उसको तो यदि कि संभालना पड़ेगा ना। इसलिए हम अपनी भक्ति को संभाल के रखें और भक्ति के इस लक्षण को ना भूलें कि भक्ति भगवान और भगत का मानसिक नाता है, भगवान हमारा संबंधी है, हम उस संबंध को कायम रखें, उस संबंध को बिगड़ने आते हैं। बोल श्री सच्चिदानंद महा।